Hey guys, welcome back to my channel Tweet of Tia और मैं हूँ टिया। तो आज है shopping day 2 और मैं गाड़ी से ही vlog start कर रही हूँ क्योंकि time नहीं मिला। आज हम लोग बहुत late से कर रहे थे क्योंकि कल हम लोगों का almost जो है main जो चीज़ है वो हम लोगों ने कर लिया था। फिर उसके बाद ये आ गए थे तो फटाक से नहा के फ्रेश होके हम लोग ने रेडी होके खाना वगैरह खा के हम लोग अभी जा रहे हैं। और आज ना धूप बहुत ज़्यादा निकला है और गर्मी भी बहुत है। तो और कल मैं वीडियो जो है अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पे ना डीके घर में थोड़ा नेटवर्क इशू है। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ गाड़ी में लैपटॉप लेके, अपलोड करना है एक वीडियो। तो आज ये दोपहर को जाएगा, ये एक व्लॉग है तो आप लोग ये वीडियो आप लोग जाके देख लो अगर नहीं देखा है अभी तक। और आज करने वाले हैं हम छोटा मोटा जो शॉपिंग है, मेनली ज्वेलरी जो शॉपिंग है वो करने वाले हैं। लाइक एक दो साड़ी लेने वाले हैं, मेरी अगर जूता मिलता है, मतलब शू मिलता है तो मैं लूँगी। मेरा शू मिलना बहुत टफ है क्योंकि मेरा जो पैर का साइज़ है ना वो बहुत छोटा है, नहीं मिलता है मुझे, तो वो सब करेंगे। तो आज मार्केट में ही हम लोग रहेंगे और इनका थोड़ा एक तो मुझे देखना है, शेरवानी देखना है अगर मुझे हम लोगों को टाइम मिलता है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि आज में ही ख़त्म करने के लिए क्योंकि जलपाईगुड़ी में भी हम लोगों का काम है कल। तो ये सब है तो दिखाती हूँ आप लोगों को जैसे जैसे दिन जाता है और आप लोगों को भी साथ में लेके चलती हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या खरीदते हैं नहीं खरीदते आप लोग भी देखना। तो चलिए इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे है ये महाशय आज भी हम लोगों के साथ सर्विस देने के लिए, थैंक यू। किसी ने भी मास्क नहीं पहना है, सिर्फ मैं पहन कर रखा हूं। थैंक यू इतना टाइम देने के लिए, मोस्ट वेलकम। यहाँ पे है दीदी मम्मी, हम सब मिलके फिर से जा रहे हैं। अगर टिया की जूता हमें वहाँ पे नहीं मिलता है ना, लगभग श्योर है कि नहीं मिलेगा क्योंकि इतने छोटे साइज में नहीं आता है। बच्चे का जूता भी तो नहीं आता है लेकिन बड़े का जूता के साइज भी नहीं आता है, तो इसलिए हमें क्या करना होगा कि बनवाना होगा। नहीं मिलता है फिर भी तो नहीं मिलता है, अभी तो कोई नहीं बनवाता है, बस साइज देखे बनवा लेंगे। देखते हैं अगर कोई मिलता है ब्राइडल शू, डिजाइन भी हम लोग दे देंगे। हाँ लेकिन अगर बनवा पाए तो ना, हाँ वही हमें पसंद भी आना चाहिए। तो दिक्कत वही है, आज सब कुछ हो जाएगा बट जूता लेके प्रॉब्लम होगा, हमेशा जो होता है।
सी? उसमें तो कोनी में शाम का था ना, बता दूंगा कोई है तो ना थे शाम के ले लियो थारी साड़ी सब मैं दे दूंगा, येलो भी दो पीस दे दूंगा था ना। साड़ी देखे तो हम लोग उस शॉप में आए हैं जहाँ पे मैंने, जहाँ से मैंने अपना एंगेजमेंट साड़ी जो है वो लिया था, क्योंकि आप लोगों को बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है अपना एंगेजमेंट साड़ी, बेस्ट है साड़ी मेरा। तो बहुत जगह घुमा, नहीं समझ में आया, फिर यहाँ से हम लोग ले रहे हैं एक बॉबी के लिए भी, बॉबी ने बोला है तो वो ले रहे हैं, तो यहाँ से हम लोगों को पसंद आ गया। अभी दी के साड़ी देखते हैं कि दी के साड़ी पसंद आता है या नहीं, और मुझे भी अगर कुछ समझ में आता है तो मैं भी लूँगी। तो यहाँ पे पहले हम लोग जाके संचिता वस्त्रालय जो है वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे मुझे कुछ देखना थी, कुछ देखना था, वहाँ पे ना कुछ समझ में नहीं आया, एक दो पसंद आया, फिर उन लोगों के पास स्टॉक ख़त्म हो गया हम लोग देखते देखते, मतलब जो पर्टिकुलर में हम लोगों को जो चाहिए। फिर मैं सोच रही थी कि दी को इस शॉप में लेके आओ, क्योंकि इस शॉप में ना रेप्लिकास बहुत ज़्यादा मिलता है, जैसे कि ये साड़ी आप देखो, ये साड़ी बहुत 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 गॉर्जियस है, बट हम लोगों को अभी नहीं लेना है इस टाइप में, इसीलिए नहीं ले रहे हैं। तो इसका दुकान का नाम ना आपको मैं बता दूंगी, अगर आप लोग सिलीगुड़ी में रहते हो और स्क्रीन पे मेंशन कर दीजिए। हाँ, और सिलीगुड़ी में अगर आप रहते हो और अगर आते हो कभी भी, तो जो मनीष मल्होत्रा का रेप्लिका भी डिज़ाइनर जो साड़ी है ना, उसका रेप्लिका भी यहाँ पे रखते हैं, और बहुत रिजनेबल प्राइस में लेते हैं। और हम लोगों ने बॉबी के लिए भी लहंगा देखा, आप लोगों ने देखा बॉबी के लिए भी, वो भी बहुत चीप प्राइस में है। वो भी बहुत चीप प्राइस में है, सिर्फ सब पेस्टल कलर में आप लोगों को मिल जाएगा, ब्राइडल कलर में भी मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे सब है। और यहाँ पे ना बहुत ढेर सारे वैरायटी आपको देखने को मिलेगा, और सब खोल 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 के ये लोग दिखाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। तो शायद यहाँ से सब साड़ी हम लोगों का आई होप हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे ज्वेलरी शॉपिंग करने। एटाओ सुंदर আছে, এটাও পার্টি ওয়্যার সারি তোর। और ये है शुभकामना, ये दुकान है, और ये भैया आपको मिलेगा, भैया थोड़ा हाई बोल दो, तो ये भैया आपको मिलेगा, तो इस शॉप में ज़रूर आना, बहुत अच्छा मिलेगा आपको कलेक्शन। सुंदर अच्छा ये ना, तुम जेको शाड़ी साथ कैरि करते भी। Okay, I'm going to go to the next one.
লাগা गाइस। तो मैं आप लोगों से बहुत देर बाद मिल रही हूँ, मतलब कल मैंने शूट किया था और आज मैं फिर से इस ब्लॉग को एंड नहीं किया, तो मैं एंड करने के लिए यहाँ पे हूँ। एक्चुअली कल क्या हुआ था, कल परसों जब हम लोग शॉपिंग करने गए थे ना, तब हम लोगों ने बहुत सारा कुछ शॉपिंग कर लिया, बट हम लोग उतना टायर्ड नहीं हुए थे। बट कल ना मार्केट में घूमते 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 हम लोगों को ख़रीदना था चीज़, तो हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे और हम लोगों को बहुत लेट भी हो गया था। और विहान यहाँ पे था तो हम लोगों का मूड भी जो है वो थोड़ा ऑफ हो गया था, क्योंकि विहान इतना रात तक यहाँ पे अकेली है, अकेले नहीं है, सब लोग हैं बट मम्मा को छोड़ के है ना, तो इसीलिए तो हम लोगों को भी लग रहा था कि हाँ बच्चा घर में है और हम लोग इतना लेट कर रहे हैं। बट हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ कल शॉपिंग किया, छोटा मोटा जो चीज़ है। हम लोगों को जो है लहंगा लेने में लेट हो गया है, लहंगा हम लोगों ने फिक्स्ड करके लहंगा एक्चुअली क्या है ना, तो वो तो स्टिच किया हुआ नहीं रहता है, तो हम लोगों के हिसाब से जो ब्लाउज़ होगा या स्टिच करवाएगा वो सब हम लोग आज लेने वाले थे। बट हम लोगों ने सोचा कि हम लोग दो दिन गए और हम लोगों का जो भी शॉपिंग है ना वो सब ऑलमोस्ट हो गया, तो सिर्फ लहंगा लेने के लिए हम लोग अगर आज भी जाएंगे तो फिर और प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत काम है, जैसे कि जलपाईगुड़ी में उनके मेरे ससुराल वाले में भी होने वाले ससुराल में भी जाना है इनवाइट करने, फिर कुछ और भी चीज़ खरीदना है जो हम लोग जलपाईगुड़ी से भी खरीद सकते हैं, तो ये सब चीज़ हम लोग आज करने वाले थे, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा थोड़ा लेट हो जाए बट लहंगा आज लेके ही जाना है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने और शॉप वाले को रिक्वेस्ट किया था, वो लोग बोले थे नहीं होगा नहीं होगा, फिर भी बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो लोगों ने, सब लोग हम लोगों के लिए रुके हुए थे, सारा जो स्टाफ था दुकान का शटर भी डाउन हो गया था, सारा जो स्टाफ था सिर्फ हम लोगों के लहंगा के लिए ही रुके हुए थे वहाँ पे, तो वो सब करके फिर हम लोग जब गाड़ी में बैठे तब 9:30 के ऊपर हो गया था, तो अभी हम लोगों का एकदम ही मूड नहीं था कि इतना लेट हो गया, घर पहुँचते पहुँचते और भी लेट हो जाएगा, विहान अकेला घर में है, पापा के साथ है, इतना टाइम मम्मी उसके पास नहीं है तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए मूड एकदम ही नहीं था कल और व्लॉग एंड करने का। और उसके बाद इतना ज़्यादा हम लोग टायर्ड हो गए थे, दी मैं मेरी फियांसे एंड मम्मी सब लोग इतना टायर्ड हो गए थे ना, आके फ्रेश होके सो गए, खाना खा के सो गए, दैट्स इट। सो मैं इस व्लॉग को आज यहीं पे ख़त्म करूँगी और एक नेक्स्ट व्लॉग जो आज का व्लॉग है वो भी मैं आज करूँगी, तो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो शादी का शॉपिंग व्लॉग है, ऑफ कोर्स लाइक करना बनता है और आप लोग कमेंट भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, और मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।